50 खबरों के बाद खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है और इसकी वजह है बारिश। जगह जगह पानी भरने की वजह से रिंग रोड और बाकी कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। अलग अलग जगह से तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जल भराव की समस्या, जो सिर्फ शुरुआती 3 दिनों की बारिश में ही ऐसी स्थिति बन गई दिल्ली में, जिसका असर आज हफ्ते के पहले दिन, जो कि पहला वर्किंग डे है, जबरदस्त तरीके से जाम की स्थिति बनी हुई है। एनसीआर के इलाके बुरी तरह से प्रभावित है, दिल्ली से नोएडा जाने की तरफ, दिल्ली से गुड़गांव जाने की तरफ, जहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। ये आप रिंग रोड की तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी लंबी कतार आपको गाड़ियों की दिखाई देगी। हमारी संवाददाता रोशनी ठोकने ने हमें और ज्यादा जानकारी के साथ रिपोर्ट भेजी। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश ने दिल्ली वालों के पसीने छुड़ा दिए हैं। बेशक उमस से राहत मिल रही है, लेकिन ट्रैफिक की समस्या अब लोगों के पसीने छुड़ा रही है। इस वक्त हम आपको नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क की तस्वीर दिखा रहे हैं। महारानी बाग का ये वो पॉइंट है जहां पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की रफ्तार किस तरह से स्लो हो गई है, और यही रफ्तार अगर इसी तरह बारिश लगातार जारी रही तो धीरे धीरे थम जाएगी और घंटों के जाम में तब्दील हो जाएगी। सिर्फ यही इलाका नहीं बल्कि साउथ दिल्ली के कई इसी इलाकों में इसी तरीके से बारिश की वजह से हैवी ट्रैफिक की खबरें आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में इसी तरह अगले 2 दिनों तक लगातार बारिश जो है वो होती रहेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो भी दिल्ली वालों को काफी परेशान कर सकती है। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो ये बात जाहिर कर रही है कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर रिमझिम बारिश की फुहार भी जाम की स्थिति, हैवी ट्रैफिक की स्थिति पैदा कर देती है। कैमरा पर्सन मदन प्रसाद के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक।